सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। तो आज हमने करनी है फोटोपी ऐप के अंदर ग्रीन टोन वाली फोटो एडिटिंग। इसके लिए यूज़ करते हैं हमने प्रीसेट को। प्रीसेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फोटोपी ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रीसेट को यूज़ करने से क्या होगा, एक तो आपकी फ़ोटो के अंदर ग्रीन टोन ऐड हो जाएगी, दूसरा ये कि आपकी पूरी फ़ोटो पॉप हो जाएगी, एंड तीसरी बात यह कि आपका फेस भी वाइट हो जाएगा। एंड अभी हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दो। ओके हो गया। तो सबसे पहले हमने अपने फोटोपी ऐप को ओपन करना है। उसके लिए क्या करना है, अपने इंटरनेट डेटा को सबसे पहले ऑन करना है, उसके बाद अपनी फोटोपी एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। फोटोपी एप्लीकेशन ऑन होने के बाद सबसे पहले अपनी फ़ोटो को इसके अंदर लेके आना है जिसकी एडिटिंग करनी है। उसके लिए आपने फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन होगा ओपन के नाम से, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके हो गया। एंड गैलरी में से जो फ़ोटो एडिट करनी होगी ना, उसके ऊपर एक क्लिक करेंगे सिर्फ, तो फ़ोटो हमारी खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। तो अभी हमने प्रीसेट को यूज़ कर लेना है। तो उसके लिए जाना है लेयर पैनल के अंदर, एंड उसके बाद जाना है एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये होती है हमारी एडजस्टमेंट जो कि तीसरे नंबर पर है लास्ट में, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कलर लुकअप को, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है इस छोटी सी एरो को। ओके। एंड यहाँ से हमने दोबारा सेलेक्ट करना है छोटी सी एरो को, तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो लाइन के नीचे जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी प्रीसेट्स हैं जो फ़ोटो भी आने हमें दी हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ओके। लेकिन हमने अपनी खुद की प्रीसेट यूज़ करनी है, उसके लिए आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है लोड के ऊपर। तो यहाँ पे ना आपके सारी चीज़ें आपकी शो हो जाएंगी, आपका फाइल मैनेजर, आपका मेमोरी कार्ड, आपके फोल्डर। तो आपने सिर्फ अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल्स में ना फाइल मैनेजर इस जगह पे शो नहीं होता होता, उसका सलूशन ये होता है कि आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। ये भी एक फाइल मैनेजर है जो हर जगह शो हो जाता है। ओके। तो जो भी आपका फाइल मैनेजर होगा ना, आपने सिर्फ उसको ओपन करना है, एंड उसके बाद आपने उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे आपने प्रीसेट को रखा होगा डाउनलोड करने के बाद। तो मेरा इस फोल्डर के अंदर है प्रीसेट। तो ये प्रीसेट जो आज की वीडियो में यूज़ करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो इसको हमने अप्लाई करना है, इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो हमारी प्रीसेट फ़ोटो के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, एंड हमारी पूरी फ़ोटो को बहुत ज़्यादा लेवल का बना दिया है इसने। आप बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हो, ये रहा हमारा बिफ़ोर फ़ोटो, बहुत ज़्यादा डल है। एंड जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये रहा आपका आफ्टर। तो आप देख सकते हो कलर कितने ज़्यादा पॉप हो चुके हैं एंड फेस भी वाइट हो चुका है। ओके। तो गाइज़, मैंने ना प्रीसेट यूज़ करने के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चेक करना चाहते हो उसको चेक कर सकते हो। उसके अंदर मैंने हर चीज़ बताई है कि कैसे अगर आपके फेस के ऊपर कलर आ जाए उसको ख़त्म करना है, और मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, और चीज़ें कैसे ऐड करनी है। ओके। तो आज की वीडियो मैंने सिर्फ इतना ही बताना था। अभी मैं आपको फ़ोटो जो गैलरी के अंदर सेव करके दिखा देता हूँ। उसके लिए जाना है फाइल में, एक्सपोर्ट एज पे, जेपैग पे। क्वालिटी आपने हमेशा रखनी होती है 100 पे, एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो जो है गैलरी के अंदर HD में सेव हो जाएगी। ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो एंड फॉलो भी कर सकते हो। ओके। एंड मैंने फ़ोटो भी अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हुई हैं, आप उनको भी चेक करो ज़रूर से। एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रीसेट एंड बैकग्राउंड के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अगर करना चाहो। ओके। बाकी मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।